पिछले कई दशकों से भारतीय किसान खेती करने के नई नई तकनीकों को खूब महत्व दे रहे हैं। युवा किसान खेती किसानी का मॉडर्न स्टाइल अपनाकर आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। इन्हीं मॉडर्न तकनीकों में से एक है पॉली हाउस तकनीक। किसान भाई पॉली हाउस तकनीक में मौसमी सब्जियों के साथ बेमौसमी सब्जियों की खेती कर सकते हैं। सब्जियों की ही नहीं बल्कि पॉली हाउस में किसान भाई तरह तरह के फूलों की खेती करके भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। इन संरचनाओं का उपयोग करने के लिए एक अलग प्रकार की संरक्षित संरचना उपयुक्त है। ये फसल को प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों में जैसे तापमान, बारिश, ठंड के अलावा कीटों आदि से भी बचाती है। किसान भाइयों, पॉली हाउस की संरचना दो प्रकार की होती है, छायादार संरचना यानी शेड नेट स्ट्रक्चर। किसान भाई इस संरचना का उपयोग नर्सरी तैयार करने और पौधों को खेत में स्थानांतरित करने से पहले उन्हें बाहरी खेत के अनुसार सख्त बनाने के लिए करते हैं। पॉली हाउस संरचना ये भी दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक हवादार पॉली हाउस व पंखे और पैड सिस्टम द्वारा नियंत्रित तापमान वाले पॉली हाउस। किसान भाई इस तरह की संरचना में तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए फैन पैड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ये पॉली हाउस सिस्टम सेंसर की मदद से स्वचालित किए जाते हैं। किसान भाइयों, सभी तरह की पॉली हाउस का निर्माण 200 माइक्रोन अल्ट्रा वॉयलेट पॉली शीट का उपयोग कर बनाया गया है। पॉली शीट के गुण 200 माइक्रोन यूवी शीट। किसान भाइयों, पॉली हाउस की खेती में पॉली शीट का बहुत बड़ा महत्व है। पॉली हाउस की खेती पॉली शीट से 88% लाल प्रकाश का संचरण होता है। पॉली शीट पॉली हाउस को मजबूती के साथ उसके तापमान को सामान्य रखता है। पॉली शीट डिफ्यूज्ड होते हैं, लेकिन इसकी मोटाई 200 माइक्रो और जीवन अवधि 2 से 3 साल होती है। पॉली शीट पॉली हाउस की खेती में यूवी किरणों का अवशोषित उनको कंट्रोल करती है। किसान भाई, पॉली शीट फसल को धूल और धुंध से भी बचाती है और एंटी शैवाल से भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बचा भी जाता है। किसान भाइयों, पॉली हाउस प्रौद्योगिकी की अवधारणा के अनुसार अनुकूल स्थिति में अधिक उपज और अच्छी गुणवत्ता वाली फसल पाने के लिए और पौधों को बढ़ने के लिए प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड और वायु परिसंचरण यानी वायुमंडलीय हवाओं के प्रवाह का होना बहुत जरूरी है। जानकारी के लिए बता दें कि ग्रीन हाउस एक पारदर्शी सामग्री से ढकी हुई संरचना है जो पौधों को मौसम की मार और पर्यावरण की अनियमितता जैसे हवा, बारिश के अलावा सौर विकिरण, अधिकतम तापमान, कीट और रोगों के हमले से भी बचाता है। इतना ही नहीं, किसान भाइयों, पॉली हाउस एक सुरक्षित खेती प्रदान करता है। पॉली हाउस खेती में किसान भाइयों की फसल जानवरों, खरपतवारों, कीड़ों और कीटों से सुरक्षित रहती है। इतना ही नहीं, इस खेती में बारिश, बर्फ, ओलावृष्टि और हवा की स्थिति में भी फसल सुरक्षित रहती है। पॉली हाउस खेती करके किसान भाई अपनी फसल को पराबैंगनी किरणों यानी यूवी विकिरण से बचा सकते हैं। यूवी पॉली शीट जो छेद संरचना को कवर कर सूरज की रोशनी को फसल में फैलाती है। पॉली हाउस की खेती में पौधे लगाने के लिए अनुकूलतम फसल उगाने की स्थिति उपलब्ध है। किसान भाइयों, अगर आप भी पॉली हाउस खेती करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए उसमें प्रकाश यानी लाइट 50,000 से 60,000 लक्स होनी चाहिए। तापमान 25 से 28 सेंटीग्रेड होना चाहिए। नमी की स्थिति यानी ह्यूमिडिटी 60% से 80% होनी चाहिए, जबकि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 350 से 1000 ppm सांद्रता हो और वायु संचारण की भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। ज्यादातर किसान भाई पॉली हाउस में टमाटर, खीरा और शिमला मिर्च की खेती करते हैं, क्योंकि इन सब्जियों की मांग बाजार में पूरे साल रहती है। पॉली हाउस में टमाटर की खेती करने के लिए किसान भाइयों को दिन का तापमान 22 से 27 सेंटीग्रेड और रात का तापमान 15 से 19 सेंटीग्रेड, नमी 60 से 65% और प्रकाश की तीव्रता 50,000 से 60,000 लक्स होनी चाहिए। इस तरह खीरे की फसल उगाने के लिए किसान भाइयों को दिन का तापमान 24 से 27 सेंटीग्रेड, रात का 18 से 19 सेंटीग्रेड, नमी 60 से 65% और प्रकाश की तीव्रता 50,000 से 60,000 लक्स रखनी चाहिए। जबकि शिमला मिर्च की खेती के लिए किसान भाइयों को दिन का तापमान 21 से 24 सेंटीग्रेड, रात का तापमान 18 से 20 सेंटीग्रेड,
नमी 60 से 65 और प्रकाश की तीव्रता 50,000 से 60,000 लक्स होनी चाहिए। किसान भाई पॉलीहाउस की खेती करके जितना मुनाफा कमा रहे हैं, उन्हें अपनी फसल के लिए कड़ी मेहनत के साथ साथ प्रकाश, तापमान, सापेक्षिक आर्द्रता, कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी विकल्प और उपकरणों की भी आवश्यकता होती है। पॉलीहाउस खेती में प्रकाश व विकिरण की तीव्रता और दिन की लंबाई बढ़ाने के लिए कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था जैसे गर्म दीपक, फ्लोरोसेंट लैंप, उच्च तीव्रता निर्वहन लैंप लगाना चाहिए, जबकि पॉलीहाउस में प्रकाश की तीव्रता कम करने के लिए और दिन की लंबाई व परछाई स्क्रीनिंग और पर्दे को कंट्रोल करने के लिए हेड नेट, ब्लैकआउट स्क्रीन, एल्यूमिनेट्स, व्हाइट वॉश का उपयोग करना चाहिए। पॉलीहाउस की खेती में किसान भाई तापमान को बढ़ाने के लिए तकनीकी विकल्प हीटर, गर्म पानी, भाप, ताप आदि के ताप की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि तापमान को घटाने के लिए मिस्टर्स, फॉगर्स, छत पर लगे फव्वारे यानी रूफ स्प्रिंकलर्स से कंट्रोल करें और पॉलीहाउस में छाया को कम करने के लिए शेड नेट, स्क्रीन सफेदी का उपयोग किया जा सकता है, जबकि वायु परिसंचरण को झरोखों और निकास पंखे यानी एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करके कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाई पॉलीहाउस की खेती में सापेक्षिक नमी को बढ़ाने के लिए ह्यूमिडिफायर्स, फॉगर्स, मिस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि कम करने के लिए हीटर्स, वेंट्स या डी ह्यूमिडिफायर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की एकाग्रता के संवर्धन को पॉलीहाउस में कंट्रोल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बर्नर, शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड ईंधन गैसों का उपयोग किसान भाई कर सकते हैं। किसान भाई आपको बता दें कि पॉलीहाउस खेती में उपज बढ़ाने में अहम भूमिका खुले खेत की स्थितियों की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की होती है। सब्जियों के फूलों को बढ़ाने में भी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता मदद करती है। बंद ग्रीन हाउस संरचना में कार्बन डाइऑक्साइड संवर्धन का अभ्यास किया जाता है 1000 से 1500 ppm की सांद्रता पर, जो कि आमतौर पर ग्रीन हाउस में स्थापित स्तर है, जबकि खुले मैदान में ये केवल 200 से 300 ppm ही है। वहीं पॉलीहाउस में प्रकाश की तीव्रता 50,000 से 60,000 लक्स पर रखी जा सकती है, जबकि खुले मैदानों में ये 80,000 से 1,20,000 लक्स है। अगर पॉलीहाउस में उच्च प्रकाश तीव्रता रखेंगे तो ये फल सेट का कारण बनेगी। किसान भाई नियंत्रित पॉलीहाउस परिस्थितियों में 4 से 5 गुना अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। खुले खेत की स्थिति में टमाटर की अधिकतम उपज लगभग 15 से 20 मीट्रिक प्रति एकड़ होता है, जबकि पॉलीहाउस में 70 से 100 मीट्रिक प्रति एकड़ आसानी से काटा जा सकता है। किसान भाइयों, पॉलीहाउस की खेती की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो साथ ही किसान भाइयों के साथ साझा करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग बेल को दबाएं ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे।